हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी अभी मैं रात वाला फ्लाइट करके आ रही हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। फ्लाइट करके आ गई हूँ बस यूनिफॉर्म में, इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे को बस आपको अपना चोटी दिखाना था। आई नो मैं यूनिफॉर्म में वीडियो अब नहीं बना रही हूँ, बट ये देखो मैंने खुद से ये वाला चोटी किया। अभी कुछ दिन पहले मम्मी आई थी जो कि मैंने ब्लॉग में दिखाया था, तो मम्मी भी ऐसा चोटी मेरे लिए कर दी थी, तो मेरे को भी चूल मचा कि ये चोटी करे खुद से ट्राई और दिखाया आप लोगों को। मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए इसका। बस इस चोटी के लिए मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट किया है, मैं सोचा सो के उठ जाऊंगी उसके बाद स्टार्ट द व्लॉग। और ये देखो पानी लग रहा था ना, तो रूम में उन्होंने पेंट करवा दिया, अच्छा है। लेकिन ये ऐसे ही कलर था मेरे स्कूल में ऐसी दीवार का कलर था, आधा ऐसा कलर आधा व्हाइट कलर। तो आंटी पूछ रही थी कि मतलब ओनर पूछ रही थी कि ये कैसा लगा पेंट, तो बोले कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मेरा स्कूल में भी ऐसी पेंट था। ऑल्दो आज का मेकअप मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और ये भी एक रीज़न था मेकअप दिखाना था, इसीलिए वीडियो स्टार्ट किए। रूम पूरा तहस नहस है, जा रहे हैं जल्दी से चेंज करेंगे, नहाएंगे। और बॉडी तो इतना टूट रहा है क्योंकि इस हफ्ते पूरा 6 दिन बैक टू बैक हम फ्लाइट्स किए हैं और इतना ज़्यादा थके हुए ना मैं बॉडी ड्रेन्ड आउट हो गया है लिटरली। एंड इस महीने मेरा आर्स बन रहा है 80 आर्स, जो कि कोलकाता में 80 आर्स बनना इज अ बिग थिंग, क्योंकि फ्लाइट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ये शो करता है कि मैंने इस महीने बहुत फ्लाई किया है और मैं लिटरली बहुत थकी हुई, इसीलिए मेरे व्लॉग्स भी बहुत लेट आ रहे हैं क्योंकि छुट्टी नहीं दिया है मेरे को। बीच में 4 स्टैंड बाई लगा दिया, चारों दिन 4-4 सेक्टर के लिए पुल आउट कर रहे हैं, 4 सेक्टर के लिए। एक दिन उसमें बीच में ओपन फ्लाइट से मैंने ले लिया 2 सेक्टर, तो मैंने बोला भी कि सब 4-4 सेक्टर के लिए पुल आउट कर रहे, तो बोले कहाँ एक दिन तो 2 सेक्टर के लिए हुआ था, बोल के मेरे को 4 सेक्टर फिर से दे दिया। तो हाँ कल फिर से मैं 4 सेक्टर है, तो जा रहे जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। सब्जी बनाए थे अंडा का कल, और ये देखो यहाँ का चौकी चला गया, ओनर ने ले लिया। और वो देखो मेरा एसी, जब एसी देखते ना यार मेरे को अपना अचीवमेंट लगता है कि यार कुछ तो अचीव किया है, कुछ तो मतलब मेरा खुद का ही है, मतलब एसी। हम कूलर भी नया नहीं खरीदा हमने, जो पापा के टाइम से जो कूलर है वही कूलर हम चला रहे हैं, और एसी देख के अच्छा लगता है यार, अच्छा लगता है। बस अब घर के लिए भी ले पाए अभी तो एक लिए पूरा बैंक खाली हो गया मेरा। हाँ तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाय वेलकम बैक, तो मैं अभी अभी नहा के आ गई हूँ और मैं खा रही हूँ खाना बिकॉज भूख लगा है बहुत ही तेज। कल शाम में मेरे को निकलना था 6 बजे, तो 5:30 बजे तक में ही हम नाश्ता ये क्या बोलते हैं खाना खा लिए थे, उसके बाद फिर रात भर कुछ नहीं खाए, तो अभी भूख लगा है और गैस भी हो जाएगा। तो हाँ आपको भी लगेगा कि सुबह सुबह भात, बट ट्रस्ट मी सबसे ईजिएस्ट मेरे को यही लगता है कि भात चढ़ा दो, तब तक मैं काम वाम करके मतलब नहा धो के आ गए अच्छे से, बाल धो लिए बिकॉज 10 दिन हो गए मेरे को बाल धोए, लिटरली 10 दिन, और मैं अभी बाल धो रही हूँ। आई नो मैं ऑफ में मैं इतना सोई हूँ ना, मैं तो नहा के ऐसे ही निकल गई, और बाल धोना भी मेरे को बहुत बड़ा दिक्कत ही लगता है इसीलिए। एंड हाँ अभी बहुत फ्रेश लग रहा है और खा के बस सोऊंगी, मैं मिलूंगी आपको सीधा सो के उठ के। तो शाम के 4 बज गए और मैं अभी सो के उठ रही हूँ, और ये देखो मैं बना रही हूँ अंडा का ऑमलेट, और ये पता नहीं इसी में सब्जी था, और ये पता नहीं मैं इसको निकाल पाऊंगी या नहीं, लग तो रहा है निकल जाएगा, जल रहा है, निकालती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखो फाइनली ये खाना कम्प्लीट हुआ और शाम में कंप्लीट हो गया, कल सुबह फिर से है मेरा फ्लाइट जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो अभी फिर मेरे को खाना बनाना पड़ेगा रात के लिए और सुबह के लिए भी, सुबह को टिफिन में लेके जाऊंगी क्योंकि शाम में 3 बजे तक है फ्लाइट। फ्लाइट तो ठीक है करने में कोई दिक्कत नहीं होता, बट मेन मौत आती है जब खाना आके बनाना हो इतना थक के भी, फिर मैं सोचती हूँ घर में मम्मी कैसे हैंडल कर लेती है, बाप रे मैं से तो यहाँ एक जन का भी नहीं होता। शाम हो गई है, चाय बन रहा है मेरे किचन में, और ये देखो चाय एक राउंड मैंने पी लिया और मम्मी से बात करते करते मैंने बनाया था तो वीडियो पे नहीं रिकॉर्ड किया, और इतने देर से खिड़की खुला हुआ छोड़ा तो मैंने बहुत ही ज़्यादा हवा आ गया, रूम में इतना ज़्यादा हवा का जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, रूम ऑलरेडी ठंडा था एसी के कारण, बट बाहर खिड़की खोल दिया तो थोड़ा गर्म हो गया रूम, बट ये भी है हर चीज़ में बट है
कि थोड़ा मतलब फ्रेश लग रहा है। एंड मेरा चाय हो गया है तैयार। बर्तन है भाई साहब, बर्तन धोने का तो मन ही नहीं हो रहा है मेरे को, लिटरली एकदम मन नहीं हो रहा बर्तन धोने का। और ये देखो मैंने कैंडल खरीदा, बिकॉज अभी जब से गर्मी आया है ना तब से यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा कट रहा है मेरे एरिया में, पता नहीं क्यों। ये हर गर्मी में ही कटता है या मैं आई हूँ तब से कट रहा है? क्योंकि जब हम लोग आए थे उस समय हमने पूछा था कि यहाँ पे लाइट कटता है या नहीं, उनने तो बोला था कि नहीं कटता है, बट आजकल जा रहा है। मैं भी बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता होगा इसके लिए, इसलिए मैंने कैंडल्स को ऑलरेडी ऐसे खड़ा करके हर जगह छोड़ दिया है कि जब भी लाइट कटेगा इट्स जस्ट आई हैव टू लाइटन अप, लाइटन अप दैट, लाइट ऑफ कर देती हूँ। एंड गाइस मैंने ना मीटर लगवाया है एंड ये लिटरली यहाँ पे परसों, ये मतलब 3 दिन पहले हो गया, ये 50s में था कुछ एग्जैक्ट, तो मेरे को नहीं पता 52-53 समथिंग लाइक दिस से था। उसके बाद मैंने एसी लगवाया है, लिटरली एसी लगे हुए अभी 3 दिन ही हुए हैं और वो 96 पे पहुंच गया है। ऐसे ही रहेगा तो एक महीना में मेरा कितना बिल आएगा, 1000 पार आ जाएगा। कोची में तो मैं पूरे महीने एसी चलाती थी फिर भी 200-250 बिल आता था, दो दो महीना का। यहाँ पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ पे 2 रुपया यूनिट का था, यहाँ पे 8 रुपये हैं। बहुत ज़्यादा महंगा है भाई, जितना यहाँ सैलरी नहीं मिल रहा उससे ज़्यादा खर्च है। तो जा रही हूँ अभी चाय इंजॉय करूँगी, कपिल शर्मा शो के साथ हैं, फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो शाम के बज गए 9, रात के बज गए 9 और मैंने अभी अभी ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर किया है, तो मैंने सोचा आपके साथ में ही बॉक्सिंग करते हैं। ओ माय गॉड, ये केवल 2 आम का 70 रुपया लिया है, बट मेरे को लग रहा था कमा रही हूँ तो मेरे को बहुत क्रेविंग हो रहा था, बट इट्स जस्ट दिस थिंग। एंड मैंने ये ऑर्डर किया, ये यहाँ पे रखो, और मैंने ऑर्डर किया है तेल जो कि ख़त्म हो गया है, अभी सब्जी बनाना है, और कुरकुरे बड़ा वाला ही दिखा रहा था तो कुरकुरे बड़ा वाला ही कर लिया ऑर्डर। डाफ पानी, क्या डाफ पानी का पानी निकल, ओ माय गॉड, इतना छोटा सा डाम पानी का 70 रुपया, छी यार ब्लिंकिट, ओ माय गॉड, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा इतना छोटा सा डाम पानी का 70 रुपया। देखती हूँ कितना पानी निकलता है, बहुत दिन हो गया था डाम पानी ऑर्डर किए इसीलिए आज किया। एंड ये रहा आशीर्वाद आटा, और भिंडी ऑर्डर किए थोड़ा सा, अभी भिंडी बनाएंगे, आलू भिंडी। और घी मेरा हो गया था ख़त्म तो घी ऑर्डर कर दिए आशीर्वाद का, ऑल्दो मेरे को आशीर्वाद से ज़्यादा अच्छा अमूल का घी अच्छा लगता है। एंड ये रहा लास्ट प्याज, इतना सा सामान का मेरे को 700 रुपये लग गया। सबसे पहले तो अभी बनाएंगे भिंडी, आलू भिंडी का भुंजिया, और आम काटेंगे, रोटी बनाएंगे, और मस्त रोटी सब्जी और आम, और रोटी भिंडी का भुजिया आम खाएंगे एकदम मस्त। तो मैं आपको खाना बना के मिलती हूँ। ये देखिए खाना बनाते बनाते मैंने मुंह में ये लगा लिया, और नीचे बैठ के सामने बैठी हूँ आटा मुंह में लगा लिया, बिकॉज मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल रहा था, पता नहीं क्यों जल रहा था। खाना बनाते समय शायद वो तेल का छींटा पड़ा या क्यों, मेरे को पता नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला, बट अचानक से बहुत ज़्यादा जलने लगा तो मैंने ये बेसन और दही घोल के लगा लिया, और तब तक मैं आटा पिसा लूँगी, उसके बाद फिर धुलूँगी जाके, फेयरनेस भी आ जाएगा, और जो जल रहा था वो अभी नहीं जल रहा है, तो देखा बेसन का कमाल। तो आटा सान रही हूँ, रोटी बना लूँगी अभी के लिए भी और सुबह के लिए भी, ताकि मैं लेके जा सकूँ टिफिन में भी। ये देखिए जी मेरा आटा सना गया है और भुजिया भी बन गया है, और आम मैंने रख दिया पानी में क्योंकि मम्मी बोली अभी का जो आम होता है वो घाव कर सकता है तो उसको पानी में डाल दो। अब तो मेरे को अलग से डर होने लगा, अभी यहाँ जल रहा था और मैं फेयरनेस आया फेस में, एंड मैंने बाल ऐसे झाड़ा हुआ है, सारा बाल मेरे को लग रहा ऊपर हो जा, पूरा कलम में बाल सट रहा है ना, इरिटेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। एंड कोलकाता में गर्मी भाई साहब 43-42, एंड उसमें आ रहा था न्यूज़ में इट्स 42 और 43 डिग्री बट सीम्स लाइक 48 डिग्री, ऐसा लगेगा गर्मी तो, और वैसा लग भी रहा है।
तो ये सब छोड़ो, मैं जा रही हूँ जल्दी से रोटी बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी, खा के सो जाऊंगी। अपन को क्या, फ्लाइट करो सो खाओ पियो सो, फ्लाइट करो उठो, यही सब है बस। तो हाँ, जा रही हूँ जल्दी से। तो गाइस, मैं अभी खाना बना के नहा के आ रही हूँ। इतना गर्मी लग रहा था ना, और मेरे को अभी समझ में आया कि मम्मी पे क्या बीतता था। मम्मी हमेशा खाना बनाने के बाद ना फ्रेश होने चली जाती थी, नहाने चली जाती थी गर्मी के मौसम में। अब भाई, मैं पसीना से लथपथ हो गई। उसके बाद मैंने सोचा नहा के आती हूँ, उसके बाद ही खाऊंगी, वरना फिर खाने का मन भी नहीं करेगा और मेहनत बर्बाद जाएगा। तो ये रहा मेरा खाना, आलू का भुंजिया, आलू और भिंडी का, रोटी सेका हुआ और आम। यम्मी यम्मी यम्मी। गाइस, तो मैं कल ब्लॉग का एंडिंग करना ही भूल गई, एंड इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा गया लगा। और आज का फ्लाइट बहुत ही अच्छा गया। इसी के साथ बाय बाय, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग।